महिमा हो आज के दिन में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विश करते हैं, मुबारक देते हैं। परमेश्वर और भी आपके जीवन में आज के दिन में आशीष और अनुग्रह देने पाए। आज भी हम पवित्र वचन से कुछ बात को हम सुनेंगे ताकि इस पवित्र वचन की द्वारा और भी आपके जीवन में परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए, आगे उसकी राज्य में जाने के लिए हमें तैयार करने पाए। जैसे नबी की बुक उसकी 53 अध्याय, ऐसे नबी की बुक है उसकी 53 अध्याय उसकी 10 पद से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। तो भी यही पाया कि उसे कुछ ले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। इस वचन में लिखा है जैसे नबी के द्वारा कितना प्रभु यीशु मसीह संसार से आने से पहले, कितना साल के पहले भविष्य दिया गया है। पहला वचन से आप पूरा अध्याय को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है परमेश्वर कैसा प्रभु मनुष्य की पुत्र इस संसार में आके क्या क्या दुख उठाएंगे, कैसा उनकी जीवन में रहेगा करके पूरा इसके बारे में प्रकाशित दिया गया था। परमेश्वर भी इस वजन के अनुसार आप बोलेंगे जैसे नबी के द्वारा प्रभु ने अपनी दुख की समय के बारे में, परमेश्वर ने इस संसार में किस मकसद के लिए आया है, किस मकसद के लिए प्रभु ने अपनी एकलौता पुत्र यीशु को भेजेगा करके उस मकसद के बारे में अच्छा सा क्लियर इस बुक में लिखा है, इस जैसा नबी के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर भी इसके बारे में अच्छा सा लूका का इंजिल में 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बता रहा है। हम पढ़ सकते हैं लूका का इंजिल 18 अध्याय उसकी 31 से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर, परमेश्वर ने 12 चीलों को अपने साथ ले जाकर उनसे कहा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितने बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्य दत्ताओं के द्वारा लिखी गई है ये सब कुछ पूरी होगी क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे टट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे खोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेंगे 34 भी हम पढ़ेंगे। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था उनकी समझ में नहीं आया। हालेलुया। कितना साल पहले जैसे नबी की द्वारा परमेश्वर ने प्रभु की जो मकसद है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसके लिए आया है, उस मकसद के बारे में इतना अच्छा सा भविष्य दिया है, उसकी बावजूद भी परमेश्वर ने बातचीत कर रहा था, अपनी चीलों से परमेश्वर बात कर रहा था, समझा रहा था। परमेश्वर ने ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय में परमेश्वर को ऐसा करने जाएंगे, यीशु मसीह को ऐसा ही दुख सहना पड़ेगा करके प्रभु ने अच्छा सा उन लोग को वापस समझा रहा था। लिखा है अंत में, लिखा है परमेश्वर की जो
लास्ट जो क्या होगा करके वो भी हम पढ़ेंगे, 33 पढ़ेंगे, 33 में वजन को पढ़ेंगे 33। और उसे खोड़े मारेंगे, उससे खोड़े मारेंगे इस परमेश्वर को, और घात करेंगे, और घात करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। फिर तीसरे दिन वो परमेश्वर जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी, इस वजन में लिखा है, प्रभु ने उनको बता रहा है, भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहला लिखा गया है, पवित्र वचन के द्वारा वो लोग को मालूम हो गया है, और यीशु के साथ भी जीवन बिता रहे हैं, यीशु के साथ रहते हैं, फिर भी परमेश्वर की मकसद को वो लोग जाना नहीं है। परमेश्वर की जो होने वाला है उसकी जीवन में कैसा आने वाला दिन में होगा करके नहीं मालूम है, फिर भी प्रभु उनको समझा रहा है, ऐसा वक्त आएगा, ऐसा ही रहेगा करके परमेश्वर समझाने के बाद भी वो लोग को समझ में नहीं आया है। आज सुबह के समय में आपको हमको भी समझने की अवश्य है, परमेश्वर किस मकसद के लिए आया है, किसके लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर ने क्यों इस संसार में अपने जीवन को, अपने कीमत लघु को देने के लिए कुछ मकसद है, क्या मकसद के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया है करके आज मैं तीन बात को आपके सामने रखने के लिए जाता हूं। हम वापस जैसे नबी की बुक में हम जाएंगे 53 में 10 वजन को हम पढ़ेंगे, 53 में 10 वजन को हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुछ ले उसी ने उसको रोगी कर दिया है, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसकी आस से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, परमेश्वर अपनी प्राण को परमेश्वर ने बलि देता है। लिखा है, वापस हम उस वजन को पढ़ेंगे, 10 में वापस हम पढ़ेंगे, अपनी आत्मा के बारे में लिखा है, और तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुछ ले उसी ने उसको रोगी कर दिया, है, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, किसके लिए प्राण को दोष बलि करने के लिए परमेश्वर को दिया गया है, प्रभु यीशु को क्यों अपनी प्राण को दोष बलि के लिए दिया गया है। लिखा है, परमेश्वर ने हमारा वंश को देखना जाता है, कौन सी वंश को, पवित्र वंश को देखना जाता है, उसके अंदर कोई दोष नहीं था परमेश्वर के अंदर, फिर भी प्रभु यीशु ने, पिता ने अपने एकलौता पुत्र को मनुष्य की पुत्र बन के संसार में भेजा है ताकि अपनी प्राण को, लिखा है निर्दोष, लिखा है पढ़ेंगे वापस, लिखा है अपने प्राण दोष बलि करें, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, क्योंकि हम पाप की वजह से परमेश्वर के रास्ता से दूर हो गए थे, हम हमारा पुरानी समय से जो पाप के द्वारा हम लोग की जन्म से हम आते थे, उससे बचने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आसाद करने के लिए, हमें पवित्र वंश में लाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्राण को दोष करके देना पड़ा है। ये लिखा है, इसकी बात परमेश्वर इस तरह देने की बात प्रभु की इच्छा पूरा हो गया है। ये पहला बात हम देखे हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वचन को हम पढ़ेंगे, 11 को हम पढ़ेंगे जल्दी से। वह अपने प्राणों की दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत लोगों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। दूसरी परमेश्वर की मकसद है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के लिए और एक मकसद है, इस वचन में लिखा है प्राण से परमेश्वर ने दुख उठाया है, किसके लिए दुख उठाया है, परमेश्वर की वचन बतलाती है, बहुत लोग समझने पाए, बहुत लोग इस ज्ञान को समझने पाए। यीशु के साथ 12 चेलों थे, प्रभु ने उस उन लोग के बारे में बता रहा था, खुल्ला उनको बोल रहा था, मुझे मरना पड़ेगा, मुझे इस सलीब के द्वारा जाना पड़ेगा, फिर भी वो लोग को समझ में नहीं आया है। परमेश्वर ने अपनी प्राण देने की एक मकसद है,
आप हम समझने पाए किस मकसद के लिए परमेश्वर इस संसार पे आया है, हमारा अधर्म के काम को, हमारा बुराई को, हमारा बुरा चाल चलन को परमेश्वर अपने ऊपर उठा के आपको हमको परमेश्वर ने गर्मी ठहराने के लिए इस संसार में आया है। अगर आप समझेंगे आप भी धर्मी बन सकता है। अगर इस बात को हम गौर नहीं करेंगे, इस बात के ऊपर हम सोचेंगे नहीं, हम हर वक्त हम इस बात को हम ध्यान करेंगे, हम धर्मी बन सकते हैं, यही परमेश्वर की इच्छा है। तीसरा हम देखेंगे, 12 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। अपना प्राण परमेश्वर ने मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। वह अपराधियों के संग गिना गया। वह अपराधियों के संग गिना गया है। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर की एक मकसद है अपनी बाग में आपको हमको लेने के लिए, उसकी इच्छा है। केवल आप नहीं है, लिखा है इस वचन में लिखा है और भी बहुत लोग को परमेश्वर ने अपनी बाग में लेना जाता है, यही उसकी मकसद है। इसलिए उसने अपनी प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया है, यही मकसद है परमेश्वर का। इस वचन में अच्छा सा लिखा है बहुत लोग पापों को परमेश्वर उठाने के लिए, बहुत लोग को पापों से क्षमा करने के लिए, पापों से उनको आसाद करने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्राण को मृत्यु में उंडेला है। तीन काम इस वजन में हम पढ़े हैं, इस अध्याय के अंदर तीन चीज को हम पढ़े हैं। परमेश्वर ने अपनी प्राण को, पहला वजन में क्या पढ़े हैं, 10 वजन में लिखा है अपने प्राण को कैसा दिया है, क्या दिया है लिखा है, पढ़ेंगे अपनी प्राण को परमेश्वर ने क्या किया है, दोष बलि किया है। दूसरा लिखा है 11 वचन को हम पढ़ेंगे, 11 वचन में लिखा है अपनी प्राण को क्या किया है, अपने प्राणों का दुख उठाकर, अपनी प्राणों को परमेश्वर ने दुख उठाया है। तीसरा लिखा है पढ़े थे, क्योंकि उसने अपना प्राण, अपनी प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है, परमेश्वर ने अपनी प्राण से, अपनी प्राण में इतना दुख सहने की एक मकसद है, आप हम उसकी मार्ग में चलें, आप हम उसकी राज्य में जा सकें, आप हम उस परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करने पाएं, यही चीज को हम अर्पण करेंगे। अच्छा सा और भी लिखा है 53 में, आप पढ़ेंगे सेम बुक में, प्रभु आपके लिए, परमेश्वर के बारे में लिखा है उसने क्या किया करके लिखा है, प्रभु की वजन से 53 में 3 से लेके 6 तक हम पढ़ेगा तो लिखा है हम क्या करना है, इसमें लिखा है पढ़ेंगे, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी ज्ञान पहचानती, जान पहचानती, और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया है, और हमने उसका मूल्य ना जाना, आज सुबह के समय में इस दिन आपको हमको उसकी मूल्य को जानना है। दूसरा लिखा है 12 वचन को हम पढ़ेंगे, निश्चय उसने हमारा रोग को सह लिया है और हमारा ही दुख को उठाया है, तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा खूटा और दूर दर्शा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण गाल किया। दूसरा लिखा है परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारा दुख के लिए, हमारा पाप के लिए, हमारा कष्ट के लिए परमेश्वर ने सलीब को उठाया है, इतना दुख को परमेश्वर ने सह लिया है, परंतु इस वचन में लिखा है हम तो नहीं जानते हैं, हमने इसके बारे में ध्यान नहीं किया है, हम इसके बारे में सोचते नहीं है। और लिखा है तीसरा लिखा है 5 से 6 वचन हमें पढ़ेंगे, हम तो सबके सब भेड़ों के समान, हम तो सबसे सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमसे हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हमसे हर एक अपनी अपनी मार्ग लिया है, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी
पर लाद दिया, उसी पर ला दिया है। हालेलुया। इस सुबह के समय में लिखा है, इस वजन में लिखा है, परमेश्वर की बोझ है, परमेश्वर ने इस वजन में लिखा है, हमने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हमारा मार्ग में हम जाते हैं, हम इस परमेश्वर की मार्ग के पीछे जाने के लिए हमें यह नहीं है, हमें ये इसके बारे में यह नहीं है, चिंता नहीं है। परंतु बाइबल बतलाती है उसने हमारा अधर्म के काम को, हमारा हर एक एक चीज को अपने ऊपर परमेश्वर ने ले लिया है। किसके लिए लिया है? हमने भटकने के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे जाने के लिए। इसलिए बाइबल में अच्छा सा एक वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इतना दुख सहक सब के सलीब उठाया है। इब्रानियों की बुक में अच्छा सा लिखा है, उस परमेश्वर को देख के हम उसके पीछे जाना है करके लिखा है। हम 12 अध्याय में 2 वचन को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सा लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को थापते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिने आपके पर जाके बैठ गया है। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध परमेश्वर ने सलीब में सह लिया है कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के सम्मान दिया जाता है भूल गए हो। है मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। इस वचन में लिखा है परमेश्वर जैसा दुख सगा है, हमारे जीवन में भी ऐसा दुख हो सकता है, हमारे जीवन में भी ऐसा समस्या हो सकता है, फिर भी हमें एक हिम्मत है, हमें एक विश्वास है, प्रभु ने इस रास्ता में गया है, हमें भी इस रास्ता में जाना पड़ेगा, परंतु एक विश्वास है आपके लिए मेरे लिए। इब्रानियों की बुक 2 अध्याय 18 वचन में लिखा है, हम अंत करेंगे, बहुत अच्छा सा लिखा है इस वचन में, क्योंकि उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया है उनको भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज सुबह के समय में मैं मेरे तरफ से कुछ नहीं बोला है, बाइबल की वजन को आपके सामने रखा है, इस वजन को अंडरस्टैंड करें, प्रभु की इच्छा को पहचान लें, परमेश्वर किस मकसद के लिए इस संसार में आया है, आपके लिए, हम के लिए, हम सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने आया है, परंतु हम इस बात को समझ नहीं जाते हैं, इस बात को समझने के लिए हमको वक्त नहीं है, परंतु परमेश्वर की वजन आज भी आपसे हमसे बातचीत करना जाता है। हमें चिंता करने की अवश्य नहीं है, दुख के बीच में जाना पड़ेगा, परंतु एक विश्वास है, वो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए इतना साल पहले प्रभु ने दुख सहा है, आज वो परमेश्वर हमारा साथ होके हमें भी सहायता करेगा, हमें भी मदद करेगा, ताकि हम उसकी रास्ता में जा सके, हमारा परमेश्वर की मकसद को, प्रभु की इच्छा को इस दिन के अंदर हम पूरा कर्म कर सकते हैं, हम उसकी आज्ञा को मांग के आगे बढ़ेंगे, जरूर परमेश्वर दुनिया की अंत तक हमारा साथ रहेगा, वही वो परमेश्वर की वादा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में और भी आशीष और अनुग्रह दे, इस दुख के समय, इस संसार में जो भी समस्या हो, आप चिंता करने की अवश्य नहीं है, आपको एक चीज को पहचानने की अवश्य है, जिस परमेश्वर ने, जिस पिता ने इस संसार में मुझे रखा है, उसकी इच्छा को मैं कैसा पूरा कर सकता हूं, ये इच्छा में आप यही इसके बीच आप चलने पाए, प्रभु आपको आशीष देगा।